वेलकम बैक टू द चैनल। अभी मैं 5 मिनट पहले हुआ है योगा क्लास से वापस आई हूँ और आके मुझे बनाना था लंच, तो लगा कि काफी दिनों से ऐसा हो रहा था कि मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं बना पाई, तो आज से क्यों ना कोशिश करूँ थोड़ा रेगुलर हुआ जाए। आज मुझे आपके साथ शेयर करना है कुछ ऐसी चीजें जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम किया है। नहीं, मैं बहुत टाइम ही लगाऊंगी, शुरू में ही बता दूं कि उसके बिना अगर मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी मेरे लिए मुश्किल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैंने लिया है न्यू हेयर कट। ये तो कोई नई बात नहीं है, बट एक नए जगह से हेयर कट लिया है। बट उससे भी ज्यादा जो एक बहुत ही ऐसा चीज है जो कि मैं काफी दिनों से सोच रही थी बट कर नहीं पा रही थी, वो मैंने किया है 2 दिन पहले। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है योगा क्लास में, वो बोल रही थी कि उनको करवाना था, तो मुझे काफी सालों से मन था बट वही हिम्मत भी नहीं हो रही थी और सोच रही थी पता नहीं मुझ पे ठीक रहेगा कि नहीं, मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं, बट काफी सालों से मन था, अल्टीमेटली किया है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने किए हैं अपने नेल्स एक्सटेंशन। तो ये मैंने मतलब सारे आर्टिफिशियल नेल्स है, उसके ऊपर से इस तरह से जेल एक नेल जेल डेवलपर लगाते हैं, देन जेल पेंट होता है, फिर और भी काफी सारा ट्रीटमेंट रहता है। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने देर तक बैठ पाऊं, क्योंकि ये पूरा नेल आर्ट करने में आई थिंक 1.5 घंटा से 1.75 घंटा लग गया था। बट क्योंकि हम लोग 2 जन थे तो गप्पे मारते हुए हंसी मजाक करते हुए टाइम भी निकल गया। लंबे नेल्स के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट आई थिंक धीरे धीरे जितने दिन बीतते जाएंगे शायद मैं ठीक से सीख जाऊं कैसे मैनेज करना है। क्योंकि कुछ भी खोलना हो या फिर अगर क्रीम भी लगाना हो या फिर अगर मुझे कैमरा भी ऑन करना हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जैसे विदाउट नेल्स जैसे आप इजिली कर सकते हो, विथ नेल्स थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और मैं भी चाह रही हूँ कि काफी दिनों तक ये रहे, मैं उसको अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ, तो इसे थोड़ा ज्यादा केयरफुली कर रही हूँ, तो इसलिए काम थोड़ा सा स्लो हो गया है और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो गया है। बट एनी हाउ धीरे धीरे फिगर आउट कर लूंगी हाउ आई विल बी एबल टू मैनेज विद दीज। तो चलिए उसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू और बनाते हैं एक सिंपल सा वेजिटेरियन लंच। तो सबसे पहले जो मुझे मुश्किल हो रहा है वो तो हो रहा है कैमरा का बटन ऑन ऑफ करना, तो ऐसा थोड़ा स्लांट करके ऑन ऑफ कर रही थी। बट एनी हाउ जाने से पहले मैं थोड़ा प्रेपरेशन करके गई थी, क्योंकि पहले मैं ये करती थी कि योगा जाने से पहले मैं सारे घर के ना काम करके जाती थी इंक्लूडिंग कुकिंग। बट उससे मैंने ये देखा कि जब तक मैं क्लास तक पहुंचती थी तब तक मैं ऑलरेडी काफी टायर्ड हो जाया करती थी, इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं रहने दो, छोटा मोटा प्रेपरेशन करके जाऊंगी, जितना बनेगा उतना ही लंच बनाऊंगी, फिर धीरे धीरे बाद का दिन भर का बाद में करती रहूंगी। तो ये फिलहाल मैंने ना यहाँ पे फल्ली बोलते हैं, इस टाइप एक भाजी टाइप का है, उस दिन गुड़गांव में मैंने ये खाया था और उसको मैं बनाऊंगी हरी मिर्च और जीरा और इस नए आलू के साथ नमक और हल्दी के साथ बनाऊंगी ये एकदम सिंपल सा। और आज बनेगा पालक दाल, राइस में बना के गई थी तो वो एक काम मेरा करा हुआ है, तो ये इसको भी चॉप करके गई थी। सबसे पहले मैं पालक वाला दाल बनाऊंगी, इसके लिए पहले ऐड करेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, दूसरे तरफ फल्ली भी मैं चढ़ा दे रही हूँ साथ ही, दोनों अभी गर्म हो चुका है, जिसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। तेल गर्म हो चुका है तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा हरी मिर्च चॉप ऐड कर रही हूँ। जीरा मैं दोनों तरफ ही ऐड कर रही हूँ, दाल के लिए भी और सब्जी के लिए भी। यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और साथ में ऐड कर रही हूँ हींग। लहसुन और हींग का मुझे हमेशा लगता है एक किलर कॉम्बो है, बहुत अच्छा टेस्ट कर देता है कोई भी दाल में अगर ऐड करते हैं तो। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ पालक, तो ये एक छोटा सा एक बंच पालक था, तो ये पूरा ऐड करूंगी, हाई फ्लेम में इसको भी फ्राई करेंगे। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, यही प्रॉब्लम है, ये अभी ऐसे स्क्रेप करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो ये सारे अभी आदत चेंज करना पड़ेगा।
फ्राई कर ले रही हूँ, और तब तक हमारा यहाँ पे हरी मिर्च और जीरा भी तड़क चुका है, तो उसमें मैं ये फल्ली और आलू को ऐड कर रही हूँ। फल्ली की सब्ज़ी में मैं सिर्फ नमक और हल्दी ऐड करूँगी, कोई भी पानी या कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि फल्ली से भी और आलू से भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर निकलता है, उसी से अच्छे से कुक हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम में ढक के से कुक करती हूँ, और क्योंकि विंटर वेजिटेबल्स में खुद ही इतना ज़्यादा स्वाद होता है, तो मुझे अलग से और कोई मसाला या फिर इंग्रेडिएंट्स डालने का उतना मन नहीं करता। इन इटसेल्फ ही काफ़ी टेस्टी होते हैं ये सब्ज़ी। और यहाँ पे पालक भी अच्छे से फ्राई हो गया है लहसुन और मसालों के साथ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और साथ में ऐड करूँगी टमाटर। नमक हमने दाल को भी जब बॉईल किया था तो उसमें भी मैंने नमक और हल्दी ऑलरेडी ऐड किया था बॉईल करते वक्त, तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल ऐड करूँगी। तो नमक के साथ थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद ही मैं टमाटर और बॉयल्ड दाल को ऐड करके थोड़ा सा उसको और उबाल लेंगे। तो अभी एक तरफ बन रहा है सब्जी और एक तरफ हमारा दाल बॉईल हो रहा है, और यहाँ पे पास में पड़ा है मेथी की भाजी, और इसको लेके एक बात है जो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ले जाकर। यहाँ पे मुझे किसी ने कहा था कि तुम योगा जाओ, मैं तब तक मेथी की भाजी तोड़ के रखूंगा। योगा जाओ मेथी की भाजी तोड़ के रखूंगा? यू ओनली सेड ना इन द मॉर्निंग कि आई विल हेल्प यू इन द किचन, यू हैड सेड कि तुम योगा जाओ मैं तुम्हारा मेथी की भाजी तोड़ के रखूंगा, सो दैट इट्स इजीयर फॉर यू टू कम एंड वर्क। यू टोल्ड मी दैट यू विल कम बैक एंड देन यू पील ऑफ दोस व्हाटएवर मेथी शार्क। अच्छा, यू थॉट कि आई विल मायसेल्फ डू इट? नो, तो वो अदा किया, उसको निभाना पड़ेगा, उसके बाद में मेथी शार्क कूटेगा, इसके पहले नहीं कूटेगा। जिंदगी वैसी कूट के रह गई है, अब मेथी तक कूटने में क्या लगता है, 10 मिनट तो लगेगा। ठीक है, हम आपको एक और मौका देंगे, इवनिंग तक कूट के रख देना। अच्छा, इवनिंग तक? बात इवनिंग की नहीं है, बात अभी की है, अभी लाकर दीजिए, मैं कूट के रख देता हूँ। नहीं, अभी तो खाने बैठेंगे, हो गया है, ऑलमोस्ट डन विद कुकिंग। घी डालते वक्त देख रही हूँ कि ये वाला जो डिब्बा है वो ऑलमोस्ट खत्म है, तो अभी करेंगे थोड़ा सा देसी नुस्खा, इसमें से लेके थोड़ा सा इसमें डाल के देन आई विल ऐड बैक इनटू इट। तो इससे ये वाला जो घी जो कंटेनर में लगा है वो भी साफ हो जाएगा, और अपना घी वेस्ट भी नहीं होगा। आई थिंक हम सभी लोग ऐसे वाले नुस्खे तो करते ही रहते हैं घर में। अभी घी वाला दाल इसके अंदर, एक्चुअली ठंड के दिनों में ना ये जो नया आलू आता है ना वो इन इट सिर्फ इतना टेस्टी लगता है खाना। ये ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, साथ में ये फल्ली तो वैसे भी बहुत टेस्टी है, और इस टाइप का सिंपल फूड आई थिंक वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, और जल्दी बन भी जाता है और इजी भी है बनाना। अभी है इवनिंग का टाइम, और थोड़ा सा आफ्टरनून में खाने के बाद मैं रेस्ट ले लेती हूँ। विंटर्स में ये है कि अच्छी नींद भी आती है अगर आप भरपेट खाते हो ना लंच में, और वैसे भी एक्सरसाइज करने के बाद फिर लंच करो तो नींद अच्छी आती है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी आती है। तो जिस दिन अच्छी नींद आती तब मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। तो आज वही सो के उठी हूँ, और हम लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए कि गर्म पानी पीते हैं, तो वही थोड़ा सा गर्म पानी कर रही थी जग में भर के, और फिर तीनों को मैंने पानी दिया, और उसके साथ साथ मेरा चाय भी बन रहा है। और वैसे तो आई थिंक इवनिंग का चाय सालों ही अच्छा लग, मतलब पूरा साल ही अच्छा लगता है, बट विंटर्स के तो अलग ही मज़े हैं चाय पीने के। और अभी मैं जुम्बा क्लास जाऊंगी थोड़ी देर में, तो इसलिए डिनर के लिए मैं बनाऊंगी मेथी और बेसन का चीला, वही जो मेथी की भाजी को लेके दोपहर में इतना मस्ती किया, अल्टीमेटली अभी नहीं कर पाए। एक्चुअली किचन में थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते हैं, बट कई बार काम के वजह से उतना नहीं कर पाते, तो मैं वैसे तो थोड़ा मजाक मस्ती करती हूँ बट मैं उतना रिलाई नहीं करती हूँ, जब वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं हेल्प करते हैं, अदरवाइज़ मैं अपने आप ही करती रहती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैंने खुद ही मेथी को थोड़ा तोड़ के चॉप कर लिया है, और अभी मैं
एक मिक्सिंग बोल में ऐड कर रही हूँ बेसन, बहुत थोड़ा सा मैं उसमें ऐड करूँगी सूजी, और साथ में ऐड करूँगी नमक, थोड़ा सा अजवाइन और काफ़ी ज़्यादा मेथी की भाजी। वैसे इस टाइप की अगर आप रेसिपी बनाते हो तो वेट लॉस के लिए भी अच्छा है एंड डिनर लाइट ही ले तो ही अच्छा रहता है, बट इस टाइप का चीला काफ़ी टेस्टी भी लगता है, तो इसलिए मैं डिनर में इसको आज बना रही थी। तो बस मेथी की भाजी वगैरह सब ऐड करके मैं इसको जितना कम पानी हो उतना कम पानी में ही इसका एक बहुत थिक बैटर बनाऊंगी, क्योंकि नमक जब मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा मेथी मॉइस्चर छोड़ेगा, और जब कुक करेंगे तब तो साग जो था पानी छोड़ता है, इसलिए इसको थोड़ा सा घना पेस्ट बनाना ही बेटर रहता है। तो वही मैं इसको एक पेस्ट बना के छोड़ के फिर जाने वाली हूँ जूम्बा। आज मेरा जुम्बा क्लास था बट मिस हो गया है। एक्चुअली मैं ड्रेस रेडी कर रही थी बट इतने में मेरे एक फ्रेंड का फोन आ गया, तो उनसे मेरा 1 घंटे तक बात होती रही, जिस चक्कर में 8:15 हो गया। तो जुम्बा क्लास तो हो गया है मिस, बट मैं आपको अपना वार्डरोब दिखाऊंगी विंटर वेयर में मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, बट उससे पहले कपड़ों को वापस डाल लूं अंदर कबर्ड में। जो बेड्स हैं उनके ऊपर इस तरह से वेलवेट का मैंने बेडशीट बिछाया हुआ है, इससे वार्म्थ भी मिलता है, और जब आप बैठते हो ना तो या फिर जब लेटने जाते हो तो अचानक ठंड का एक झटका नहीं होता, वो नहीं लगता है। ये है मेरा वार्डरोब, सूट्स तो मेरे 12 महीने ऐसे लगे रहते हैं ऊपर, वैसे समझ में नहीं आता कि मैं इनका करूँ क्या, क्योंकि ठंड में तो ये सूट्स पहनने होते नहीं हैं, बट फिर भी रखा है इन केस अगर पहनने को मन करे आइदर विद अ कार्डिगन या फिर कुछ स्वेटर या फिर शॉल के साथ। और यहाँ पे ऐसे थोड़े हैपहैजर्ड ही हैं, बट सारे मोस्टली मेरे टॉप वेयर्स हैं ये, एक्सेप्ट ये एक दो स्कर्ट और ये एक आध जम्प सूट्स को छोड़ के। और ये वाला मैंने रिसेंटली एक ब्लैक कलर का टी लिया है फ्रॉम अमेजोन, तो इसलिए उसका टैग लटक रहा है। और सेकेंड रो में भी है सारे मेरे वुलन वेयर, और इस तरफ है सारे ट्राउजर्स एंड जीन्स, और लोअर पोर्शन मेरा सेम है स्पोर्ट्स वेयर। तरफ का जो वार्डरोब है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज किया है, ये मेनली सारे मेरे होम वेयर हैं। तो ज़ुम्बा जब जाना नहीं हुआ तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चीला के साथ और कुछ बनाया जाए, तो मैंने कुछ बेबी पोटैटोज़ को बॉईल किया था, उनको अभी पील किया है, बट वही है विद नेल्स पील करना मुश्किल हो रहा था, तो इस वक्त रात को फिर से हबी का हेल्प लिया, तो ही हेल्प्ड आउट टू पील आउट देम। तो अभी इसका एक छोटा सा मैं एक फ्राई बनाऊंगी, कुछ भी नहीं सिर्फ नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और साथ में नींबू डाल के बनाया था मैंने, तो इसके लिए हल्का सा मैं तेल में फ्राई कर लिया था इस ग्रिल पैन में, और साथ में बना लिया था बेसन का चीला। वो भी बनाना बहुत ही इजी है, सिंपल से बस आपको डोसे की तरह इनको दोनों तरफ से बस सेंक लेना है, और इस तरह से मेरा एक यमी टेस्टी बट सिंपल टू ईट, और साथ में वेट वॉचर्स के लिए भी इस टाइप के लंच या डिनर अच्छे होते हैं, तो एक तीर से दो निशाना करूंगी मैं आज का व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियोस, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज करिए, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले। मिलूंगी मैं बहुत ही जल्दी एक हैप्पी हैप्पी सा व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।